नमस्कार, सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है, जहां फिर से एक बार बेनीपुर के जो विधायक हैं, सह जिलाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर विनय चौधरी पहुंचे हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। इससे पहले आपने जो खबर देखा वो देर रात लगभग 7 बजे के करीब वो अस्पताल में पहुंचते हैं, अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में पहुंचते हैं, वहां औचक निरीक्षण करते हैं, रोस्टर खोजते हैं। उस समय में डॉक्टर की अनुपस्थिति नहीं होती है। और अब पहुंचे हैं स्कूल +2 शांति नायक उच्च विद्यालय बहेरी का औचक निरीक्षण बेनीपुर विधायक ने किया है। और लगातार बता दें कि इस वक्त जब कर रहे हैं उस समय में कोई भी शिक्षक वहां उपस्थित नहीं थे, ऐसा बताया गया है। एक दो शिक्षकों को छोड़कर, प्रधानाध्यापक को छोड़कर शिक्षक या शिक्षिका नहीं पाई गई हैं। और वहां पर जब उन्होंने जो क्लास की जो शेड्यूल होती है, जो वहां पर रूटिंग दिया जाता है, वो रूटिंग खोजने की प्रयास किया, तो जो प्रधानाध्यापक हैं वो शिक्षकों का रूटिंग दे दिए। और वहीं पर एक खड़ी जो यहां शिक्षिका थी, उन्होंने विरोध कर दिया है कि यहां पर प्रधानाध्यापक के द्वारा खाली स्थान छोड़ा जाता है, यहां पर सेटिंग पर काम चलता है। ऐसे भी सूत्र बताते हैं कि बहुत सारे स्कूल में जहां शिक्षक शिक्षिका अपने मायके में बैठी रहती हैं, वो कहीं दूसरे राज्यों में वहां टहलती रहती हैं और यहां पर उनका स्कूल चलता रहता है, 5,000, 10,000, 15,000 पे बोली लगता है। और ऐसे में सूत्र बता रही है, मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ऐसे जो शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं जो अपने शिक्षकों को घर में बिठाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, लेकिन यह मैं पुष्टि नहीं करता हूं। बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां +2 शांति नायक उच्च विद्यालय बहेरी का औचक निरीक्षण बेनीपुर विधायक कर रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। उन्होंने सबसे पहले वहां रूटिंग मांगा, उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार जो इतने आपको सैलरी दे रही है, अगर सैलरी की बात करें तो 50,000, 60,000 सैलरी हो चुका है, और शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा इनके पास इतने सारे काम है, मोबाइल चलाना हो या फिर इनके अंदर जो राजनीति होती है स्कूल के अंदर, वो राजनीति करने में ज्यादा लगते हैं। बच्चों का पढ़ने का स्तर आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है ना, जब आप देखेंगे। प्रधानाध्यापक राजकुमार दास ने कहा है कि 3 तारीख से ये स्थिति सुधर जाएगी, ये रूटीन सुधर जाएगी, आगे की दिक्कतें नहीं आएगी, आगे हम लोग सही से काम करेंगे, हमारे शिक्षक काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन आपको बड़ी बात बता दें कि बेनीपुर के विधायक ने सख्त मना कर दिया है कि अगर आपके यहां कुछ भी गड़बड़ी होती है, शिक्षक अनुपस्थिति पाए जाते हैं, तो सीधा टर्मिनेट किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम बार बार निरीक्षण करते रहेंगे, औचक निरीक्षण करते रहेंगे, और आपके शिक्षकों का पोल खोलते रहेंगे और आपका पोल खोलते रहेंगे कि अगर आप नहीं पढ़ाते हैं और सरकार को बदनाम होना पड़ता है। सही बात है, आप समझ सकते हैं, इतने करोड़ों रुपया शिक्षकों के फंड में जा रहा है और सरकार बदनाम हो रही है। चलो बैठो, बात नहीं। राजकुमार बाबा मना हुआ तुम कैसे केमिस्ट्री लाई और तुम कैसे फिजिक्स लाई? आज कौन सा क्लास होने वाला है क्या मालूम था? रूटीन है? रूटीन तो नहीं, बच्चों के पास नहीं है तो नहीं हुआ। बच्चों के पास रूटीन नहीं है, रूटीन बच्चों और शिक्षकों के लिए होता है, विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है। अगर बच्चे को आप रूटीन नहीं दीजिएगा तो बच्चे कैसे किताब लेकर के आएंगे कि आज कौन सा किताब हमारा ले जाना है? अभी हम देख करके आए हैं, अभी देख करके हम आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग, वो भारतीय भवन का रहता है, 80 आरटी वाला भी तो सब एक ही होता है, हम लोग 80 आरटी में पढ़ सकते हैं। आज अभी आपका क्लास था शुरू किया, क्लास में कैसे घुसे? क्योंकि सर यहाँ पे वो जो रूटीन सब एक साथ जो होता है, संख्या ज्यादा रहता है रूटीन, उसके हिसाब से सर इनका क्लास आज था कि नहीं? इसमें नहीं सर, एक्चुअली है जो हम लोग +2 के, हम तो देख करके घुस गए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, +2 के हम आए, जैसे +2 के बाद मत क्या कीजिए, हमको देख कर नहीं घुसने की जरूरत है। नहीं सर, जब तक अपने अंदर में नहीं जज्बा जगेगा शिक्षक नहीं बन सकते। यानी शिक्षक को मालूम है ना? जी हाँ मालूम है, हाँ, और ट्रेनिंग कॉलेज के ही हम शिक्षक हैं, तो इसलिए जज्बा जग जाए। जब हम आ गए तो घुस गए, हम नहीं आए तो नहीं, वैसे ही होता ही है, हम तो आए हैं तभी ना, अभी घुसखोर किया। रूटीन बच्चिया
क्या सर लाइए ज्वरा में, क्या सर वहाँ ज्वरा में क्या किसी का कॉपी लाइए मैथ या मैथमेटिक्स कौन जाता इंग्लिश ग्रामर व्याकरण के हिंदी में भी होता है ना, ग्रामर तो हिंदी में ही है, उसको हम व्याकरण वहां करते हैं, यहाँ पर ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर तुम कहा है क्या कर जो ऊपर में घर में निकला मिला था सभी को उसके चल सही ना तुम्हारा सही ना ठीक व्यवस्था हो जिससे रूटीन में नहीं मिलिएगा तो बच्चों का जो मन होगा किताब लेकर के आएगा हम क्या